हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली एक चटपटा क्रिस्पी टेस्टी आलू का स्नैक्स है, और इस स्नैक्स से हम चाट भी बनाने वाले हैं, जिसे आप कभी भी बेझिझक फटाफट बना करके खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये नाश्ता आलू से बनने वाला है, इसलिए मैंने बड़े साइज के दो आलू लिए हैं। आप अगर मीडियम साइज का ले रहे हैं तो तीन आलू ले लीजिएगा। अब अच्छी तरह से आलू को पील करके अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया है, और इस तरह का ग्रेटर लीजिएगा आप, इसमें जिसमें थोड़े से मोटे निकले धागे। और इसको निकालने के लिए हम जैसे जूलियंस कट होते हैं ना, सब्जियों को हम सूप वगैरह में डालने के लिए कट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके लच्छे कुछ इस तरह से निकलेंगे। और अब देखिए, ये थोड़े पहले मैंने निकाले हुए थे तो लाल हो गए हैं। सबको हम पानी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के दो तीन पानी धोना है। जितनी अच्छी तरह से इसे धोएंगे ना, इसके सारे स्टार्च वगैरह निकल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी होगा। ये देखिए लाल कलर भी निकल गया है इसका। अब मैं इस पानी को निकाल लेती हूँ, और ये मेरा तीन पानी धोने के बाद ये चौथा पानी मैंने डाला हुआ है वो है। इसमें देखिए बिल्कुल भी कलर भी नहीं खराब हुआ है, बिल्कुल आलू का सही कलर है, और पानी का भी कलर देख लीजिए बिल्कुल साफ है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें धो करके रेडी करना है। अब इस पानी को भी हम निकाल लेते हैं, और पानी निकालने के बाद तो भी थोड़ा सा पानी रह जाता है आलू में, तो इसके लिए हम इस तरह से एक बाउल ले लेंगे, और इस बाउल के ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे। बिल्कुल इस तरह से, स्ट्रेनर ना हो तो कोई बात नहीं, आटा चालने वाली चलनी भी आप रख सकते हैं। और इसके ऊपर कॉटन का कोई कपड़ा बिछा दीजिए, साफ रहना चाहिए पर कपड़ा, तो बिल्कुल साफ कपड़ा इस तरह से आप बिछा दीजिए। और इसके बाद आप जितना भी आलू हमने छील करके पील करके लच्छे निकाले हैं ना, वो सारे आलू आप इसमें डाल दीजिए। और इस तरह से कपड़े को एक पोटली बना लीजिए, और थोड़ा सा प्रेस करके सारा पानी निकाल दीजिए। ये थोड़ी देर में, बहुत जल्दी नहीं होता है, थोड़ी देर में आप एक से दो मिनट तक ऐसे ही दबा के रखेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। और जब इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी हम इसका यूज स्नैक्स बनाने के लिए कर पाएंगे। तो हम पूरी अच्छी तरह से मेक श्योर कर लेते हैं, अच्छी तरह से दबा करके पानी बिल्कुल ना रहे। अब बिल्कुल पानी निकल चुका है। अब ये देखिए खोल के दिखा रही हूँ, सूखा लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये ड्राई लग रहा है। तो अब आप इसको एक साइड कर दीजिए, और अभी आपको दिखाती हूँ कितना पानी निकला है। ये देखिए एक चौथाई कप तो पानी निकला ही है। अब वापस से इस बाउल को साफ कर लीजिए पोंछ करके, और इसमें हम सारा का सारा जो आलू के लच्छे हैं वो हम डाल देंगे। अब मैं इसको फैला के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ड्राई और कितने सूखे हैं। अगर अभी भी सूखे ना हो तो थोड़ी देर फैन के नीचे रखेंगे तो भी सूख जाएगा। इसको अच्छी तरह से फैला दीजिएगा, ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, बस बहुत हल्के हल्के हाथ से ही फैलाइएगा। अब इसमें चलिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने दो चम्मच, ये छोटी वाली चम्मच से दो चम्मच अदरक लिया है ग्रेट किया हुआ, और साथ ही इसमें धनिया पाउडर डाल देनी हूँ डेढ़ चम्मच। ये छोटी वाली चम्मच से ही हम डेढ़ चम्मच धनिया ले रहे हैं। और अब हम इसमें हल्दी मिक्स करेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, पर हल्दी डालने से कलर बहुत सुंदर आ जाता है। तो एक चौथाई कम चम्मच हमने हल्दी डाला है, और एक चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं, और इसके साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। वैसे मैं तो एक चम्मच से करीब नमक डाल रही हूँ, लेकिन आप जैसा खाना पसंद करते हैं वैसे आप नमक डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल दीजिएगा। मेरा दो से तीन हरी मिर्च था जिसको बारीक चॉप करके मैंने डाला है। अब इसको रफली चम्मच के हेल्प से हल्का सा बस मिला लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप उसके जगह अरारोट पाउडर डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और इसके हमने कितना लिया है, हमने चार चम्मच के करीब, बड़े चम्मच के करीब लिया है कॉर्नफ्लावर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है, तो स्पून हटाइए और हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से एकदम लच्छे को अलग करते हुए आप मिक्स कीजिए। बहुत अच्छे तरह से टॉस कीजिएगा। इसमें नमक पड़ता है जो खुद ही पानी छोड़ता है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए अब मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
तो अब हम एक कटोरी ले रहे हैं, कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हैं, या हाथ से बनाना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और एक बड़ा हिस्सा आप निकाल लीजिए, जितना बड़ा आपको कटोरी में चाहिए ना बस उतना, या ऐसा समझ लीजिए 2 नींबू के बॉल जितना आप ले लीजिए इस स्टफिंग को, और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए कटोरी पे फैला लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसको, ये अच्छी तरह से फैल गया, अब इस तरह से इसको हाथ में ले लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है। अब मैं इसको एक साइड में एक ट्रे में लगा दे रही हूँ, ट्रे या प्लेट किसी में भी आप लगा सकते हैं, और इसी तरह से मैं दूसरे वाले को भी करूंगी। तो ये कटोरी में मैंने कुछ लच्छे डाल दिए हैं, थोड़ा सा ही लगता है लच्छे। अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, एक बराबर कर लीजिए, कहीं से भी निकले नहीं, और फिर इस तरह से हाथ पे निकाल लीजिए और फिर उसे भी ट्रे में इस तरह से रख लीजिए। मैं एक साथ 2 लच्छे बना करके आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए हमारा तेल अच्छा गर्म है, तो लच्छे को इस तरह से बहुत हल्के हाथ से नीचे छोड़ दीजिए तेल में, और ऐसे ही मैं दूसरे वाले को भी इसी तरह से डाल दूंगी। अगर आपके कढ़ाई में ज्यादा स्पेस है, आप हैंडल कर सकते हैं, तो 3-4 भी आप डाल करके आराम से बना सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही बना करके आपको दिखा रही हूँ एक बार में, और ये देखिए दूसरा भी मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेकेंगे, और हाँ, फ्लेम को आप स्टार्टिंग में फास्ट ही रखिएगा, तेज ही रखिएगा, जब आप इसको पलटेंगे ना तब आप स्लो कर लीजिएगा, और इस तरह से स्पून से आप इसके ऊपर तेल डालते रहिए, जिससे कि गरम तेल इसके ऊपर में भी चला जाए। और ये देखिए एक साइड का मेरा हो गया है, फ्लेम को भी लो कर दीजिए और साथ ही से पलट भी दीजिए। ये देखिए हल्का हल्का आपको गोल्डन जैसा दिख रहा होगा, इसी तरह से अलट पलट के आपको इसको सेक लेना है। ये मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह के स्टेनर या जाली वाले पलटे में आप निकाल लीजिए, देखिए इसको पास से देखिए, इसका लुक टेक्सचर सब कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम गोल्डन सिका है, और किनारे का तो इतना क्रंची दिख रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए सर्व करके देखते हैं। ये देखिए गोल्डन कलर वाला क्रिस्पी क्रंची इवनिंग स्नैक्स या शाम का नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे आप कभी भी खाइए, ये आपको बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर देखिए, और एक एक लच्छे अच्छी तरह से दिख रहे हैं, है ना बहुत बढ़िया। तो जल्दी से अपने घर पे बनाइए, रेसिपी बहुत लाजवाब है। इसे मैंने धनिया की स्पाइसी चटनी के साथ और टमाटर साथ टैंगी टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको करीब से इसका साउंड भी सुनाती हूँ। देखा ना कितना क्रंची और क्रिस्पी है, आवाज से ही सब कुछ पता चल जाता है। इस रेसिपी को आप फास्टिंग में भी बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं पड़ा जो फास्टिंग में नहीं खाया जाता। बस फास्टिंग में आप जहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है वहाँ पे आप अरारोट पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी ये इतना ही बढ़िया बनेगा। और अगर नमक नहीं खाते हैं व्हाइट वाला, तो उसके जगह पे सेना नमक का यूज कीजिए, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रहने वाली है। चलिए अब इसकी चाट बना करके देखते हैं। तो चाट बनाने के लिए मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ इसको। देखिए तोड़ने पे भी इसमें से आवाज आ रही थी, मतलब ये कितनी क्रिस्पी बनी है आप सोच सकते हैं। अब इसमें मैं चाट के इंग्रेडिएंट यानी कि इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और अब मैं धनिया की चटनी स्पाइसी चटनी डाल रही हूँ, इसके साथ ही थोड़ा सा मैं दही डाल रही हूँ, और इसके बाद चाट के कुछ मसाले डालने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं, जैसे मैं डालने वाली हूँ चाट मसाला, भुना जीरा, धनिया पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च। आप दूसरे भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और ये मैं थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च को डाल दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, और साथ ही इसमें हम डालती हूँ लाल लाल टमाटर। आप इसके साथ गाजर भी डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं, और ये लास्ट आइटम चाट की सेव भुजिया 0 साइज वाली, वो मैं डाल रही हूँ। ये ना हो तो आप दूसरे भी भुजिया डाल सकते हैं। और ये हमारा स्पाइसी चटकदार खट्टा मीठा चाट बन करके बिल्कुल रेडी है। और इसे मैं चाट के ठेले का लुक देने के लिए ये लकड़ी के जो चम्मच होते हैं ना, स्पून होते हैं, उसका यूज कर रही हूँ। अभी मैं आपको एक बाइट एक निवाला पास से दिखाती हूँ, है ना बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।